की लूट को लेकर फरार हुए तीन आरोपियों को पामगढ़ पुलिस ने लूट की रकम के साथ गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में 9 मई को स्टेट बैंक से पैसा निकालकर घर जाने के दौरान दिन दहाड़े 50,000 रुपए की लूट हुई थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने लुटेरों की पता साझी शुरू की तो आरोपियों की पहचान रायगढ़ जिले के कापू के नट गिरोह के रूप में हुई है। इसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर गिरोह के सरगना प्रमोद नट, चिंतामणि नट और रोहित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि उनका गिरोह जांजगीर जिले के अलावा रायगढ़ जिले और कोरबा जिले में भी लूट की 6 वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने लुटेरों के पास से लूटे हुए 50,000 में से 21,000 रुपए नकद और लूट में प्रयुक्त हुई बाइक को भी बरामद किया है। बैंक के सामने, स्टेट बैंक के सामने एक बैग जिसमें 50,000 रुपए नकद और अन्य दस्तावेज, पासबुक और एटीएम और अन्य आईडी कार्ड जिसमें थे, उसको एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लूट कर फरार होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचकर बैंक के सीसीटीवी फुटेज देख के उसका अवलोकन करने के बाद यह तत्काल आरोपी की पहचान एक नट गिरोह के सदस्य के रूप में की गई। नोटबंदी के ढाई साल बाद चलन से बाहर